بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني और अजीज़ तलबा आज के इस दरस का या आज से जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है ये दावत और तबलीग का है जिसमें दावत से मुतालिक मुख्तलिफ पैराए से गुफ्तु की जाएगी दावत की अहमियत भी बयान की जाएगी दावत का काम हम क्यों करते हैं इसका भी जिक्र आएगा जो लोग दावत का काम नहीं करते उनके सामने क्या उद्र है वो भी चीज़ बयान की जाएगी फिर आगे चल करके दावत दाई दावत और मदरू से मुतक जो उमूर हैं उनका भी जिक्र आएगा तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि दावत का माना क्या है दावत और तबलीग का माना क्या है और क़ुरान और हदीस में ये मफहूम किन, किन 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 अल्फा से अदा किया गया है देखिए दावत का माना असल एतबार से दावा का माना होता है आवाज़ या कहिए कलाम के ज़रिए अपनी तरफ़ माइल करना यानी आप कोई आवाज़ निकालें या कोई बात कहें उससे आपका मकसद क्या हो ताकि सामे आपकी तरफ माइल हो जाए इसीलिए इसका माना लगत में किया जाता है पुकारना बुलाना आवाज देना इस किस्म के अल्फाज से हमारी जुबान में उसका तर्जमा किया जाता है अल्लाह ताला तुरान मजुद फरमाता है कि वह दार्लाम इला शाहिरतम मुस्कीम अल्लाह तबारक वाल बुलता है सलामती वाले घर यानि जन्नत की तरफ वल्ल यद दाआ यदू दावा, दावा अल्लाह ताली बुलाता है तो हमारी और आपकी ज़ुबान में जो तर्जमा किया जाता है दावा दावा का बुलाना पुकारना और आवाज़ देना ये माना आता है लेकिन जब मा अतलाह में दावत का माना लेते हैं तो उससे मुराद क्या होता है देखिए उससे मुराद उसे मुख्तलिफ़ अलफा में ताबीर किया जा सकता है हम अगर साफ अल्फाज में उसे ताबीर करना चाहें कि दावत क्या है तो असल है ये है कि दीन इस्लाम कबूल करने और उसको नाफिद करने की तरफ लोगों को बुलाया जाए ये है दावत का दीन इस्लाम को कबूल करने और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिद करने के लिए लोगों को दावत दी जाए लोगों को बुलाया जाए, बुलाया जाए यही दावत है बाद अहले अहल ने उसका तर्जमा सिर्फ दो लफ्जों में किया है कि दलालह यानी हक और सच्चाई जो इस्लाम है इसमें कोई शक नहीं आ, कलिमत का सिद्कों तो दावत और सच्चाई की तरफ अल्लाह की मखलूक की रहनुमाई करना यही दावत का काम है इसी से मिलता जुलता लफ्ज क्या है तबलीग है जो हमारे यहाँ आमतौर पर इस्तेमाल होता है दावत और तबलीग तबलीग भी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माना है असल में पहुंचाना, बल्कि सिर्फ पहुंचाना कह करके उसका सही माना अदा नहीं होगा किसी चीज़ को उसकी इंतहा तक पहुंचाना और अच्छी तरीके से पहुंचाना, अच्छे भले तरीके से सिर्फ पहुंचा देना काफ़ी नहीं है चीज को उसकी इंतहा तक यानी जहां तक उसे जाना चाहिए पहुंचाना और अच्छे उसलूब में और अच्छे तरीके से पहुंचाना यह तबलीग है अल्लाह तला अपने रसूलों से मुतिक शरमाता रिस ही ये सब ऐसे थे कि अल्लाह के अहकाम अल्लाह का की रसालत जो है उसे पहुँचाया करते थे उसे अल्लाह के बंदों तक अच्छी तरीके से पहुंचा दिया करते थे इसी तरह यह लघवी माना हुआ इस तरह में तबलीग का माना यह है कि अल्लाह की मखलूक तक अल्लाह की बातें पहुंचाना अल्लाह की मखलूक तक अल्लाह की बातें पहुंचाना या ये कहिए कि लोगों तक दीन के अहकाम और उसकी मारिफत पहुंचाना मारिफत कराना लोगों को दीन के दीन के अहकाम पहुंचाना लोगों तक और उसके आह, दीन की मारिफत कराना यह तबलीग है अल्लाह ताला अपने रसूल को हुक्म देता है या बल तरी रसूल सल्लाम बल्ल माजिलई आप आपकी तरफ जो ये ल, 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 नाजिल किया गया है बल्लिग उसे आप लोगों तक पहुंचा दीजिए तो तबलीग का माना यह है कि अल्लाह तबारक तआला का पैगाम और अल्लाह तला के अहकाम लोगों तक पहुंचाए जाए इसी का हुक्म देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नी वलव आया मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ कि तुम्हें एक आयत ही मालूम क्यों ना हो इसी तरीके से ये अल्फाज दोनों बड़े आम हैं दावत और तबलीग वरना यह माना हदीस और क़ुरान में मुख्तलिफ और अल्फाज से अदा किया गया है मसलन एक बहुत मशहूर जुमला है या मफलू आ, बहुत मशहूर अतला है वो क्या अमर बिल बिलमूफ़ व नहीं मुनकर अमर बिलमूफ़ व नहीं मुनकर ये भी दावत और तबलीग ही के माना में है वल منكم मिनकुम से एक जमात ऐसे हो जो खैर की तरफ दावत दे और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके इसी तरीके से दावत के लिए मजीद में इस्लाह का लफ्ज भी आया हुआ है यानी इस्लाह बोल करके भी दावत मुराद दी जाती है चुनान अल्लाह ताला फरमाता है वो मकान रब्बुका लियुहिकुरा बे वहलूहा मुसलहून अगर किसी बस्ती वाले किसी इलाके वाले मुस्लह हों लोगों की असलाह की फिक्र करने वाले हों लोगों की असलाह करने वाले होंब असलाह कैसे होगी दावत और तबलीग के जरिए अगर यानी गोया की अमर बिलमूफ नहर मुनकर का फरीदा वो लोग अदा कर रहे हैं तबलीग का का काम कर रहे हैं दावत का, का काम कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक तआला ऐसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा इसी तरीके से एक और लफ्ज बोला जाता है जिसे नसीहा कहते हैं, नसीहत नसीहत करना यह भी दावत का हम इस्तेमाल होता है कुछ फर्क के साथ नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में जथा के वारदे अपनी कौम से फरमाया था लकुम मेरी नसीहत करना मेरा दावत देना मेरी तबलीग करना तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी नफा नहीं देगी अगर मैं चाहूं तुम्हें नसीहत करना तो यानी तुम इस मरहले तक पहुंच चुके हो कि अब जो है ये तुम्हारे काम नहीं आएगा कुरानदी हद, नबू में है अदीन व अननसीहा ये हजार जरीर इब्ने अब्दुल्ल कहते बाया तो रसोस क्या है अवन, ले मुस्लिम हर मुसलमान के साथ नसीहत खैर खाही तो कहने का मतलब यह है कि असल एतबा लफ्ज हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है दावत का तबलीग का लेकिन इसी माना में अमर बिल बिल्माूफ भी है इसराह करना भी है और नसीहत करना भी है अब हम दूसरे अगले मौजू की तरफ चलते हैं दावत का माना और बफहूम समझ लेने के बाद हमें यह देखना चाहिए एक तालिब इल्म की हैसियत से कि दावत का मौजू क्या है यानी हम किस चीज की तरफ दावत दे क्या है मौजू क्या है तो दावत और तबलीग का मौजू कहते हैं दीन इस्लाम है दीन इस्लाम दावत और तबलीग का मौजू है और इससे मुराद वो दीन है वो इलाही तरीक़ा है जिसे लेकर अम्बिया आलम इस दुनिया में आए हैं जिसके चार अरकान पाए जाते हैं एक अकायद हैं इबादत हैं अखलाकियात हैं और मामलात हैं और सबसे अहम इसमें तोहीद और अल्लाह तला की इबादत की तरफ दावत देना है लेकिन दावत का जो मफहूम है कि अगर कोई इंसान सिर्फ अकीदे की तरफ दावत दे और दूसरे दीगर पहलुओं को छेड़ छोड़ दे जाहिर बात चीज नाकिस रहेगी अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वो यह है कि यादी आ ऐ फिसो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ तो इस दावत का मौजू क्या है इस्लाम है यानी इस्लाम अपने ल, ल, पूरे तमाम शोबों को लिहाज से चाहे वो शोबा अकायद का है वो शोबा इबादात का है वो शोबा अखलाकियात का है वो शोबा मामलात का है ये तमाम शोबों को मुहित है तमाम शोबों को घेरे हुए हैं यानी गो या कि हम जब कहते हैं कि हम दावत का काम कर रहे हैं तो हमें लोगों को इन चारों बातों की तरफ की तरफ दावत देनी चाहिए और इन्हीं को दावत देना यही चीज़ क्या है वो दावत का मौजू है इस सिलसिले में मेरे सामने एक हदीस है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसे इमाम अबू याला रहमल्ला अपनी किताब अबू याला में अलामा अलबानी उसे सही तरगीब नक़ल करते हैं कि हज़रत क़ादा इब्ने दामा रहमल वो बयान करते हैं कि एक सहाबी जो कबीले ख़ाम के रहने वाले थे वो बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ उस वक्त आप अपने सहचंद सहाबा के साथ थे तो हमें आपके पास पहुंचा तो हमने कहा क्या आप वही हैं जिनका दावा यह है कि वो अल्लाह के रसूल हैं जो ये समझते हैं कि हाँ हम अल्लाह के रसूल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम हाँ मैं वही हूं जिसके बारे में का जो नबूवत का दावा करता है जिसके बारे में लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल है अब जब मालूम हो गया ये अल्लाह के रसूल हैं तो अब अदब अब उस जो है जो मुखातब खिताब का है वो बदल गया चुनाचे हजरत वो सहाबी कहते हैं हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्सान हब्बू अल्लाह सबसे महबूब अमल अल्लाह तला के नजदीक क्या है आप सरसों ने फरमाया कि अमल इतलाक सबसे महबूब अमल अल्लाह तला के नजदीक ईमान बिल्ला है अल्लाह तला पर ईमान लाना जाहिर बात इसमें वो ईमान के तमाम शोबे अदाखिल हो जाएंगे उसके बाद हमने कहा अल्लाह के रसूल चलो वल्लम उसके बाद क्या यानी गोया आप जो दावत लेकर के आए हैं वो क्या है तो आपने उसके बाद फरमाया कि से रहम देखिए ये मामला है ये अखलाकियात में दाखिल है मामलात में इसे आपने गोया इस्लाम के उन बातों में करा दिया जिसकी तरफ आप दावत देने के लिए आए हैं उसके बाद हमने कहा अल्लाह के रसूल चलो इसके बाद क्या है फिर आपने फरमाया कि मुनकर भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना फिर कहते हैं नज़दीक सबसे मबहूद नापसंदीदा और बुरा अमल क्या है जिसे अल्लाह बहुत नापसंद करता है तो आप कि, अल इशराक बिल्ला अल्लाह ताला के साथ फिर करना फिर हमने कहा उसके बाद क्या है तो आप ने फरमाया कि कतमी करना यानी रिश्तेदारी को तोड़ना फिर हमने तीसरा सवाल किया कि इसके बाद आप किस चीज की दावत दे रहे हैं या अल्लाह के नजदीक सबसे मबहूद चीज क्या है तो आपने फरमाया बुराई का हुक्म देना और भलाई से रोकना तो यह दावत का मौजू क्या है दीन इस्लाम है वो दीन इस्लाम जिसे अल्लाह के रसूल लेकर के आए थे वो अपने तमाम शोबों के साथ अकायद इबादत मामलात और अखलाकियात इन तमाम के साथ और देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत रही है मदी मक्का मुकर्रमा में जहाँ आप सल्लल्लाहु की दावत पर चारों तरफ से हमले होते थे वहाँ भी आप देखें तो आपकी जो दावत है इन तमाम चीज़ों को भी शामिल है अखिलत को भी मामलात को भी इबादात को भी और अकायद तो सबसे पहले नंबर पर है ही वमा अरसल्लमिन कबल का मिन रसूल वमा अरसल्लास अरसल्ला कबल का मेूलिन यह चीज़ तो है अब आगे वाला नुकता है कि दावत का मकसद क्या है और मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो इस सिलसिले में मालूम रखना चाहते हैं वो अपने साथ कागज और कलम रखें ताकि नुक़ात और इस तरीके से जो पॉइंट हैं उनको नोट करते चले दावत का मकसद क्या है यानी आखिर ये इंसान दावत का, का काम करता क्यों है ये इसको हम तफसील से बयान करेंगे बाद में लेकिन आ, सिर्फ दावत के मकसद के तौर पर यह देखें कि असल चीज यह है कि दावत का मकसद है लोगों को अल्लाह तक पहुंचाने पहुंचने की रास की राह बताना इसलिए कि इंसान का जो है वो असल पैदा किया गया है दोबारा वापस जाने के लिए तो वो कौन सा तरीका है जिस रास्ते पर चल करके बंदा अल्लाह तबारा तक पहुंच जाएगा ये दूसरे अल्फाज में कह दीजिए आप कुफ्र और शिरक बिदात और मासीत की तारीकी से निकाल करके ईमान तौहीद की रोशनी की तरफ लाना या आप कहिए दावत का मकसद यह है इंसान को जहन्नम से बचा करके जन्नत का वारिस बनाना इन अल्फाज में ताबीर कर ले ये है सल दावत का मकसद हमारे हम दावत क्यों देते हैं लोगों को ताकि उन्हें अल्लाह तला की मार्फत हो अल्लाह की रजा कैसे हासिल कर दी चीज उनको मालूम हो शिरक से कैसे बचा जाए बिदात से कैसे बचा जाए गुना के काम क्या हैं इसकी मार्फत लोगों को हो जाए ये कराना असल चीज क्या है ये दावत का मकसद है चुनान चेला तबारक वाली ने यह चीज़ कुरान मजीद में मुतद जगह बयान की है मिसाल के तौर तो पर सुर हदीद के अंदर आप ले लीजिए अल्लाह तरमाता है आखिर तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते व रसूल यदरूकुम लितु अमिन और रसूल तुम्हें दावत दे रहा है कि अपने रब पर ईमान ले आओ वकद अखद अमीसा काम और इस ईमान लाने का अहद और पैमान तुमसे अल्लाह तबारक वाला ने बहुत पहले ले लिया है आगे वाली आयत में क्या बयान फरमाया मिन वा तो वही तबारक वा है जो अपने बंदे पर वाद आयतें उतारता है क्यों ये आयतें क्यों उतार रहा है जिसकी तरफ दावत तुम्हारा यह रसूल तुम्हें दे रहा है क्या है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए शिरक की, की मासीत की तारीकी से निकाल करके तुम्हें तोहहीद की अच्छे अखलाक की इबादत की अल्लाह के राह की नूर की तरफ लेकर के जाए ये मकसद है दावत सूर्य तलाक में भी अल्लाह ताला ने इसी को वादे फरमाया रसूल आयातनाती مِن مِن यानी यह या रसूल है जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सामने अल्लाह तला की आयतें या अल्लाह के आकाम साफ साफ पढ़ करके सुना रहा है क्यों वजह क्या है क्यों उसका मकसद क्या है ताकि वो लोग जो ईमान ले आए और अमल साल किया अल्लाह तबारक वताला उन्हें तारीकी से निकाल करके रोशनी की तरफ ले आए और क्या जो ईमान ले आएगा अल्लाह ताला पर अमल सालह करेगा युद्ध जन्नतिन तजरी तो अल्लाह तबारक वाले जन्नत, उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं खालिदी अबदा उसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे तो यह है साथियों दावत का मकसद दावत का मकसद है खुलासा ये है कि बंदे को उसके रब तक पहुंचाना ये दावत का असल मकसद है दीन इस्लाम की मार्फत कराना ये दावत का असल मकसद है आगे का नुकता आपके सामने हम ये रखते हैं कि ये दावत इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करना चाहते हैं इसके अरकान क्या हैं क्या रुकन है इसके तो देखिए इसके तीन बड़े अहम रुकन है एक रुकन है दाई दूसरा रुकन है मजड़ू और तीसरा रुकन है मजरू एले यानी दाई जो दावत दे मजड़ू जिससे दावत दी जाए मजरू एलेह जिस चीज की तरफ दावत दी जाए जिस तरफ बुलाया जाए ये तीन है तो दाई कौन है दाई हर मुसलमान है खा फासिक और फाजिर ही क्यों ना हो दाई कौन है हर मुसलमान है वो खा फासिक और फाजिर ही क्यों ना हो अल्लाह ताला फरमाता है कुं तुम खैर उम्मीन उन्नास तमरून अबिलूफी वतन अनिल मुन करी वी तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए लोगों को दावत देने के लिए लोगों के से तबलीग करने के लिए लोगों को अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए लोगों के लिए तुम्हें बना, बनाया गया है तो काम तुम्हारा क्या रहेगा त अमरूद मारूफी वतन हो नानिल मुनकर व तुम बिल्ला लोगों भलाई का हुक्म दोगे बुराई से रोको और अल्लाह पर ईमान ले और आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम ने फरमाया मन रहा मिन कुम मुनकर जो सही मुस्लिम की रवायत है रहते वो सईद खुदरी की तुम में से जो आदमी भी कोई मुनकर देखे फल युगर उसे अपने हाथ से आ, उसको त, बदले तब्दील करे इसमें आप सल्म ने यह नहीं कहा कि हाँ तुम्हें का जो आलिम मुनकर देखे जो नेक आदमी किसी मुनकर को देखे नहीं कोई भी है तो दाई हर मुसलमान है खा वो फासिक है फाजिर है आलिम है तालिब ए, इल्म है अपने इल्म के मुताबिक हर इंसान के को लिए को दावत का काम करना है ये तो दाई हुआ मदड़ू क्या है मदड़ू हर वो इंसान हर इंसान है खा कहीं का भी हो किसी इलाके का भी हो अपना है पराया है पहचान का है पहचान का नहीं है छोटा है बड़ा है हर इंसान वो मदड़ू है उसे दावत देनी है बल्कि बाद सुफिया ने तो यहां तक कहा कि दावत का काम जो होता है मिन सिद्दीक एल जिंदीक यानी सिद्दीक जो मोमिन है यह पैगाम जिंदीन तक पहुंचाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला का फतल्लिन नासी बशीरों वनदीरा हमने आपको तमाम लोगों के लिए किसी एक जगह के नहीं सिर्फ अरब के लिए नहीं कुरेश के लिए नहीं सिर्फ एशिया के लोगों के लिए नहीं नहीं तमाम लोगों के लिए तो जो मजलू है वो हर इंसान है इसीलिए सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है जिसमें आपने बयान फरमाया कि मुझे पांच चीजें अता की गई हैं जो किसी और नबी को अता नहीं की गई उन पांच चीजों के गिनाते हुए आपने यही ये भी बयान फरमाया वह बोस्त काफा मुझे अल्लाह तबारक नबी बना करके भेजा है तो गोया हम जो दावत हमारे मजड़ू कौन है सारे के सारे लोग हैं अरब है अजम है जहां तक जैसे कहते मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे मदरू इलेह क्या है एक तो दाई हुआ जो दावत के अरकान है दाई मदरू यानी जो दावत दे वो हर मुसलमान है चाहे नेक है या बुरा है मदरू वो हर इंसान है चाहे जहां का रहने वाला है और मदरू इलेह क्या है मदरू इलेह दीन इस्लाम है अल्लाह तबारक तआला का रास्ता है वो रास्ता जो मखलूक को अल्लाह तक पहुंचा दे ये मजरू है यह वाजिब भी होगा सुन्नत भी होगा अकायद अक, में भी दाखिल अखलाकियात जो चीज भी यानी जिसको अल्लाह पसंद करता है जिसका हमसे मुतालबा करता है जिस रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह तला हमें कहता है उस रास्ते की तरफ दावत देना ये तीसरी चीज है या तीसरा रुख है दावत का अल्लाह ताला फरमाता है उदो इला सबील रब्बी का बिलहिकमती इला सबील रबी ए मोहम्मद अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाइए तो दावत का किस तरफ इले कौन है अल्ला तबारक तआला का रास्ता है दीन इस्लाम है इसलिए कि अल्लाह के नजदीक दी पसंदीदा दीन जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है कौन है दीन इस्लाम है इसे अल्लाह ने फरमाया अल इस्लाम दीन फल मिन दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा दीन इख्तियार करता है तो उससे यह कबूल नहीं किया जाता अब अगले नुकते की तरफ आते हैं वो ये क्या है कि दावत का हुक्म क्या है दावत का हुक्म क्या है हमने दावत का माना समझ लिया दावत के अरकान समझ लिए दावत का मौजू समझ लिया हमने दावत का मकसद हमने समझ लिया अब देखें कि दावत का हुक्म क्या है देखिए लिहाज से दावत दीन के वाजिबात में से एक अहम वाजिब है दीन के वाजिबात में से इसको आप उससे मिलाएं कि दावत के अरकान कौन कौन से हैं दावत के अरकान में पहला रुकने क्या है दाई है तो गोया दाई के ऊपर यह चीज वाजिब है वो दाई जाहिर बात है मोमिन है चाहे नेक है या बुरा है नेक है या बुरा है मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी बाद में अगली मजलिस में कि दावत जो नहीं करते उनके आधार क्या हैं उनके बहाने क्या हैं इनमें शायद मैं थोड़ी सी वजाहत करूं लेकिन यहां भी हुक्म के तौर पर यह समझिए कि दावत हुक्म के लिहाज से क्या है दीन के वाजिबात में से एक अहम वाजिब है बल्कि बाद ने तो उसे दीन का छठा रुक करार दिया है इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को हुक्म देता उदउ इला सबील रब्बी जैसे कि आयत गुजरी अभी अपने रब के रास्ते की तरफ आप दावत दीजिए अल्लाह का हुक्म वजूब होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वादे अल्फाज में मर्रा मिनकुम मुनकरा तुम में से जो शख्स कोई मुनकर देखे फल पर जरूरी यह है कि उसको बदले अपने हाथ से अगर हो सकता है लेकिन यह वाजिब जो है कहते हैं वाजिब ऐन नहीं है बल्कि वाजिब किफाई है दोनों में फर्क क्या है आप लोग जानते होंगे वाजिब आयन है कि हर शख्स के ऊपर उसका करना वाजिब है किसी दूसरे के करने से उसके ऊपर से यह फरीदा अदा नहीं होगा जैसे नमाज पढ़ना है रोजा रखना है हर इंसान पूरे घर वाले नमाज पढ़े एक फर्द ना पढ़े तो कह रहे भाई घर वालों ने पढ़ लिया है यह फरीदा साखित नहीं होगा अलबत्ता वाजिब किफाई जो हुआ करता है वो ये है कि अगर इतने लोग उसके ऊपर अमल कर लें जिससे वो काम बखूबी अंजाम पा जाए नुकते पर गौर करेंगे इतने लोग उस अमल के लिए खड़े हो जाएं जो उस काम को बखूबी अंजाम दे सकें अगर बखूबी अंजाम ना दे सकें तो यहां पर नहीं होगा बल्कि इतने लोग उस काम के लिए खड़े हो जाएं, जो उसको बखूबी अंजाम दे सकें तो बाकी जो लोग होंगे उनके ऊपर से वो वाजिब वो फरीदा साकित हो जाएगा मिसाल के तौर पर रास्ते में आप जा रहे हैं एक शख्स है जो किसी जानवर को मार रहा है आप तीन चार पांच आदमी हैं वाजिब हर एक के ऊपर है कि उसे मना करें चाहे छोटा है चाहे बड़ा है मना करें लेकिन अगर उनमें से एक आदमी बढ़ करके उसे मना कर दे रहा है कि भाई ये काम नाजायज है। हैवान के ऊपर जुल्म है ये अल्लाह की मखलूक है गूंगी मखलूक उस पर क्यों जुल्म कर रहे हो इसे और बहुत चीजों ख़यास कर सकते हैं एक शख्स है शराब पी रहा है आपने देखा एक शख्स है झूठ बोल रहा है गाली दे रहा है तो उसे मना कर दे अगर एक आदमी दो आदमी जिससे वो मकसद अदा हो जाए तो बाकी लोगों पर से जिम्मेदारी उतर जाएगी और अगर कोई नहीं मना करता तो सारे के सारे गुनहगार होंगे सारों ने वाजिब को छोड़ा है तो दावत का काम वाजिब है लेकिन ये वाजिब कफाई है और ये काम इस कदर वाजिब है कि अल्लाह तबारक तआला ने उसके तर्क के ऊपर छोड़ने पर शदीद वईद फरमाई है और सख्त अजाब की धमकी दी है अल्लाह तबारक तआला ने यह मौजू आगे आएगा तफसील से लेकिन यहां सिर्फ एक हदीस जो सही इब्ने हिब्बान में तफसील के साथ है सुनो नमाजा के अंदर मुस्नद अहमद में भी लेकिन थोड़ी इख्तसार से मरवी है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा से माई आयशा बयान करती हैं कि मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ ले आए और हमने देखा कि आपका चेहरा कुछ बदला हुआ है सही नहीं है रंग आपके चेहरे का लेकिन मालूम नहीं मैं तो समझ गई कोई बड़ा अहम वादसा पेश आया है और अजीब यह है कि आप घर में आए तो किसी से कोई बात नहीं की खामोश हैं आप सीधे आप तशरीफ ले गए वधु फरमाए और वधु के बाद आप बाहर निकल गए माई आयशा कहती हैं कि हमने दीवार से कान लगाया इसलिए कि घर जो है मस्जिद के बिल्कुल मिला हुआ था कान लगाया कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाने क्या कहने जा रहे हैं बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे मिंबर पर गए आप मिंबर पर बैठे अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की फिर आपने फरमाया या, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह यकूलु तबारक व तआला यकूल लकुम ऐ लोगो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ये बात कह रहा है कोई अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे अल्लाह तबारक तआला तुमसे यह बात कह रहा है कि मुरू बिल अनिल मुनकर तुम लोग भलाई का बुराई से रोको हमने पहले कहा है कि दावत और तबलीग के हम माना अल्फाज में क्या है अमर बिल अनिल मुनकर भी तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि लोगो भलाई का हुक्म दो बुराई से रोको कबल इसके कि तुम मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल ना करूं तुम मुझसे मांगो लेकिन मैं तुम्हारी मुराद पूरी ना करूं तुम मुझसे मदद चाहो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं आपने सिर्फ इतना ही फरमाया और मर से नीचे उतर आए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दावत का काम किस कदर वाजिब है किस कदर वाजिब है इसीलिए कहते हैं कि यह फरीदा हर मुसलमान का है आलिम का है, हैलिब इल्म का है नेक का है बुरा का है हर आदमी जो चीज दीन के बारे में जाता है उसका यह है बल्कि यहां पर वादे कर दूं बहुत से लोग जो है जो दावत का काम नहीं करते वो ये कहते हैं कि हम खुद गुनहगार हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला हमसे चार चीजों का मुतालबा कर रहा है नेकी का काम करना नेकी की बातें लोगों को बताना बुराई से रुकना और लोगों को रुकने का ए, क, ए, रु, 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 रुकने की नसीहत करना ये चार काम है और चारों हमारे ऊपर फर्ज है यानी नेकी हम करें और नेकी की बात लोगों को बताएं भी और बुराई से हम रुकें और लोगों को बुराई से रोकें भी अब अगर कोई शख्स इनमें से एक काम भी नहीं करता तो वो शख्स क्या है जिम्मेदार है और गुनहगार है बल्कि बाद ने तो लिखा है कि अगर दो आदमी बैठ करके शराब पी रहे हैं तो दोनों पर वाजिब है कि एक दूसरे को उससे रोकें। वरना अल्लाह के यहां उनकी होगी। साथियों आगे का हमारा जो मौजू रह जाता है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे लेकिन हम उसको शुरू करते हैं जो बाकी रह जाएगा अगले मंजिल के अंदर पूरा करेंगे ये दावत की आपने बारे में ये सुन लेने के बाद ये चीज जहन में आती है कि दावत का, का काम बड़ा अहम है और जो काम अल्लाह ताला के नजदीक अहम होता है उसकी बड़ी फजीलत भी होती है तो अब रगबत के लिए तरगीब के लिए दावत की अहमियत और फजीलत को भी थोड़ा सा सुन लिया जाए और सामने रखा जाए क्यों इसलिए कि इससे इंसान को इत्मीनान होता है रगबत होती है और खुशी होती है कि हम ये काम क्यों करें देखिए पहली चीज़ यह है कि मेरे नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ है दावत के सबसे बड़ी दावत की अहमियत यह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के नबियों का काम है अल्लाह ताला के जाहिर बात अल्लाह ताला के नबी दुनिया में अल्लाह के सबसे अफजल बंदे हैं तो गोया उनका काम भी अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अफजल बड़ा अफजल माना जाएगा और हमें नबियों की इत्तेबा और उनकी पैरवी का हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में काना सुम्मत वाहिदा फबली जीना मुबशरीन व मुंजरीन लोग एक ही उम्म पर थे सही दिन पर थे लेकिन बाद में लोगों ने इख्तराफ किया जब इख्तराफ किया तो अल्लाह तबारक वाले नबियों को भेजा किस काम के लिए मुबशरीना वमुंजरीन नबी लोगों को बशारत देने वाला है और लोगों को डराने वाला है नेक काम करोगे तो तुम्हें यह कुछ मिलेगा बुरे काम करोगे तो तुम्हें यह सजा मिलने वाली खुद नबी करीम वसल्लम हमारे नबी के बारे में तो साफ तौर पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि नबी दाई है चुनान चे अल अलहजाब में अल्लाह ताला, ताला फरमाता है या नबी जो इन्ना अरस का शाहिश व नजीरा वद अल्लाह ही बी मुनीरा ये नबी के पांच सिफात बयान की गई है दो आयतों के अंदर नबी अबी बिलाशब हमने आपको गवाही देने वाला बशारत खुशखबरी सुनाने वाला डराने वाला बना करके भेजा है और क्या बनाया है वदाइय अल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हमने ये कहा है कि दावत का मकसद क्या है अल्लाह की तरफ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना तो वायन इल्लाह अल्लाह की तरफ आप बुलाने वाले हैं सिराज मुनीरा और आप बेश बड़े रोशन चिराग हैं रोशनी करने वाले चिराग हैं तो दावत की जो सबसे बड़ी अहमियत मेरी समझ में है वो ये है कि यह काम अम्बिया आलम का काम है जिनकी इताअत जिनकी इतबा का हमें और आपको हुक्म है जिनके रास्ते पर चल करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं दूसरा फायदा जब नबियों का काम हुआ जो सबसे अफजल मखलूक हैं, तो गोया ये अमल भी सबसे अफजल अमल होगा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इर्शाद फरमाया वमन अहसन الله उससे ज्यादा अच्छी बात करने वाला कौन हो सकता है अल्लाह की कसम एक दाई को जो दावत का काम करता है जो दावत का काम करना चाहता है इस फजीलत पर उसे फूले नहीं समाना चाहिए यह रबुलआलमीन जो अजदकुल है वो फरमा रहा है उससे ज्यादा अच्छी बात कहने वाला कौन होगा किससे जिसने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में हूं इसीलिए इमाम कसीर रह्ला इस हदीस की इस आयत की तफसीर में हज़रत हसन बसरी का एक बड़ा प्यारा कौल नकल करते हैं मैं इकसार के साथ हर आयत की तफसीर में वलमा के अकवाल नहीं नकल करता इसलिए कि उसका वक्त नहीं है लेकिन बड़ा प्यारा कौल है हसन बसरी रहमोल्ला कहरा उसको आप सुने कि रावी कहते हैं कि हसन बसरी रहमोल्ला ने एक बार ये आयत तिलावत फरमाई फिर उसकी तफसीर करते हुए फरमाया ये अल्लाह का महबूब बंदा है ये अल्लाह का वली है ये अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा है ये अल्लाह के नजदीक उसकी तमाम मखलूक में सबसे अच्छा बंदा है देखें आपने रत हसन बसरी बाद ने कहा कि नबियों के कलाम के मुशाबे अगर किसी का कलाम है तो ताबईन में फते हसन बसरी रहमोल्ला क्या फरमाया कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है कौन जो दावत का काम कर रहा है ये अल्लाह का वली है ये अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है यकीनन ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा है ये अल्लाह ताला के नजदीक उसकी तमाम मखलूक में सबसे अच्छा बंदा है क्यों क्योंकि उसने अल्लाह की दावत कबूल की अल्लाह की जिस दावत को कबूल किया लोगों को भी उसकी तरफ दावत दी और जो दावत कबूल की उसके मुताबिक अमल भी किया और ऐलान भी किया कि मैं मुसलमान हूं यही अल्लाह का खलीफा है यही अल्लाह का खलीफा है इस दुनिया में तो कहने का मतलब यह है कि दावत एक ऐसी चीज है जो जब जब नबियों का अमल ठहरा तो गोया ये सबसे अफदर अमल ठहरा ठहरा तीसरी बात दावत एक मोमिन के लिए निशाने इम्तियाज है यानी एक मोमिन पहचाना कैसे जाए कि हां मोमिन है कि वो दावत का काम कर रहा है और दावत अल्लाह की रहमत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है यानी अल्लाह की रहमत हमें कैसे मिलेगी अगर हम दावत का काम करें तो अल्लाह ताला सूर तोब फरमाता है बादुहुम तोलिया उबाद मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के वली हैं तो उनकी सिफात क्या है देखिए सबसे पहली सिफात साथियों नमाज का जिक्र नहीं किया पहले अच्छे लिबास का जिक्र नहीं किया पहले अल्लाह ने सबसे पहली सिफत क्या बयान फरमाई ये अमरू नबिल मारूफी मुनकर यानी वो दावत का, का काम करते हैं फिर तीसरी चीज़ बयान फरमाई अल्लाह तला ने कि वह नमाज पढ़ते हैं जक़ात देते हैं अल्लाह उसके रसूल के इतहात करते हैं लिहाजा अल्लाह तला फरमाता है यही वो लोग हैं जो अल्लाह तला के रहमत के खसूसी मुस्तक है इन्हीं लोगों पर अल्लाह तबारक वाली की रहमत है यही मोमिन है आगे फरमाया अल्लाह ने वादा किया है मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से कि उन्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरे जारी हैं आखिरी आयत तक तो कहने का मतलब साथियों एक मोमिन का अगर कोई शख्स ये काम छोड़ दे रहा है तो गोया अपनी जो सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए उस पहचान से उसने हाथ धो लिया आज की मजलिस को यहीं तक रोकते हैं इसलिए कि मुझे जितना हुक्म दिया गया था वो वक्त हो गया है अगली मजलिस इनशाला आपके सामने मजीद तबसीर रखी जाएगी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तला हमें और आपको अपने दीन का दाई बनाए अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा बंदों में हमारा आपका इंतखब कर लेकुम वरम्ह वबरकू सामयन निकराम हमारे इलमी और अवमी दुरुस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की असलाह और आपके लिए सदके जहारिया बन जाए व्हाट्सअप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं याकूब अजीज जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो एट नाइन फाइव नाइन सेवन जीरो सेवन व्हाट्सएप सवाल जो ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो टू सिक्स टू सेवन सिक्स डबल टू नंबर भेजते हुए नाम और पता जरूर लिखें इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दवा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की तला आपको फौरी हासिल हो जाए तमाम दुरुस्त मकालत और सवाल जवाब सीरीज के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इस्लामी दवा डॉट काम का मुशाह करते रहें असलिक